राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और भोपालगढ़ के विधायक पुखराजी गर्ग, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश के महामंत्री और वार्ड नंबर 34 से जिला परिषद के प्रत्याशी भाई उमेदाराम जी, सम्मानित मंच हमारे रव साहब, ये अल्पसंख्यक मोर्चे के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चे, दो तीन जोरदार जयकारे लगाए। जय बोले वीर तेगाजी महाराज की, जय बोले खेमा बाबा की, जय बोले रामचा पीर की, जय बोले भाई तोर बाड़मेर की। भाइयों, आपका जोश देख के लग रहा है कॉपी कर ली कि अशोक गहलोत को आज रात को दोबारा पुकारा जाएगा। पंचायत चुनाव के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान की पहली पार्टी है। राजस्थान का पहला क्षेत्रीय दल है जो पंचायत चुनाव के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहा है और पूरे राजस्थान के अंदर पंचायत चुनाव लड़ रहा है। आजादी के बाद किसान नेता तो बहुत हुए होंगे राजस्थान के अंदर, खुद की पार्टी कोई नहीं बना पाया। कोई इंदिरा गांधी के दरवाजे पे जाता था, कोई राजीव गांधी, कोई पप्पू के दरवाजे पे, कोई बीजेपी के दरवाजे पे, कोई मोदी जी के जाता था, तो कोई दूसरे राज्य क्षेत्रों में जाता था। लेकिन पहला किसान का बेटा हुकार भरी नागौर की धरती से, बाड़मेर के अंदर हुकार भरी, बीकानेर, सीकर और राजधानी के अंदर पहुंचा, सरकार को झुकाया, 500 बिजली माफ कराई, 50,000 नौकरियों की घोषणा कराई और स्टेट हाईवे टोल फ्री किए। ये बाड़मेर, नागौर और राजस्थान के जवानों की हुकार का परिणाम था कि सरकार झुकी और वसुंधरा देश फुट पे आ गई। और भाइयों, जयपुर के अंदर जो 4-5 लाख लोग आप थे तब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन हुआ और आपने इस बोतल चुनाव चिन्ह को, पानी की बोतलों को हवा में उछाल के इस आरएलपी पार्टी का स्वागत सत्कार किया था और आपने पूरे दौर से साफ कहा था कि आरएलपी राजस्थान की तीसरा विकल्प बनेगी, तीसरी पार्टी है और ये किसानों का आशीर्वाद, जवानों की हुकार, जवानों की ऊर्जा, संघर्ष और उम्मीद से बनी आरएलपी पार्टी है। भाइयों, आरएलपी पार्टी ने 57 उम्मीदवार उतारे। भाजपा के अंदर आपने जोरदार संघर्ष किया और भारतीय जनता पार्टी को थर्ड नंबर पर रख के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और कांग्रेस में कांटे का मुकाबला हुआ। लेकिन लास्ट के राउंडों के अंदर कांग्रेस जीत गई क्योंकि अभी कांग्रेस का जो प्रत्याशी है उसका पाप का घड़ा पूरा भरा नहीं, इस बार पाप का घड़ा पूरा भर जाएगा और उसके बाद घड़ा फूट जाएगा। बाड़मेर के अंदर आपने जोरदार जन समर्थन दिया। नागौर, जोधपुर के अंदर 3 विधायक जीते मेरे साथ, 2 शिरूर कास्ट के मेरे भाइयों को, पुखराज जी गर्ग भोपालगढ़ से और इंदिरा बावरी मेरठ से चुन के राजस्थान विधानसभा के अंदर पहुंची। मेरठा के अंदर विधानसभा के अंदर पहुंची और वह पहुंचने के बाद अगर पिछले 2 साल में इस राजस्थान के जवान किसान की फेरवे किसी ने करी तो सड़क से लेकर विधानसभा तक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने आम आदमी, गरीब आदमी के मुद्दे उठाए, चाहे परिवहन घोटाला हो जिसमें बीजेपी कांग्रेस के साथ मिल गई थी और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह ने अरबों का घोटाला किया और भाजपा चुप हो गई। लेकिन आरएलपी ने राजस्थान की विधानसभा के अंदर धरना दिया, बाहर गेट पर धरना दिया, तो सड़कों पे लड़ाई लड़ी, घोटाले की जांच तो हम नहीं करा सके। चिंता मत करो, समय आ जाएगा, जांच भी हो जाएगी, जो काले कारनामे वो छुपेंगे नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं,
कि राजस्थान के अंदर अगर विपक्ष सही है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आम आदमी गरीब आदमी की सेवा कर रही है और आपके सम्मान और हितों के लिए लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मिला जुली का खेल है। जब वसुंधरा मुख्यमंत्री थी मैं अकेला व्यक्ति था। कांग्रेस की वसुंधरा जब विधानसभा के अंदर आती थी तो पैर छूने के लिए ऐसे दौड़ते थे जैसे वसुंधरा उनकी माँ लगती हो, दौड़ के उसके पैर छूने के लिए। तो मैं देखता था, मैंने कहा ये क्या सिस्टम है आपका, इसके हाथ ही भाग के पैर छू पर ये तो राजनीति है। तो भाई हमने तो नहीं सीखी राजनीति, हम तो एक नई राजनीति लेके आए। मैं तो वसुंधरा की तरफ भी नहीं देखा भाइयों, लड़ाई लड़ता रहा। एक शादी में टकराव हो गया था, उसके साथ भी मुख्यमंत्री थी, मेरे साथ भी 50-60 लोग थे। वसुंधरा ने रास्ता मोड़ा, अगर उसी रास्ता नहीं मुड़ता तो हो सकता है कि मामला गड़बड़ हो जाता। वीर तेजाजी महाराज के आशीर्वाद कृपा से पिछले 20 सालों के अंदर लोग सीट तो आगे वाली भी नहीं छोड़ते गाड़ी के अंदर, जिसकी फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो होती है और गाड़ी के मालिक को ये कह दो कि आप पिछली सीट पर बैठ जाओ और इनको आगे बिठा दो कि गाड़ी दोहरी कर ले प्रस्तुति है। और हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर 4 बार मंत्री पदों को ठोकर मारी, दिल्ली में 2 बार मंत्री पद ठुकराए और किसान कौम को देश में आवश्यकता पड़ी, तीनों कृषि बिलों का विरोध करके एनडीए से अलग होने की बात कही कि कृषि बिल अगर वापस नहीं लिए तो मैं समर्थन नहीं दूंगा। ये आह्वान अगर किसी ने किया और तेजाजी का जयकारा लगा के इस किसान कौम का सम्मान किसी ने बढ़ाया तो आपके भाई ने मंत्री पदों को ठोकर मार के देश की सियासत के अंदर ये संदेश दिया, ये तेजाजी का पक्ष है। मंत्री बनने से बिकने वाला नहीं है, ये अपनी कौम को सही दिशा देगा। और जब तक राजस्थान के अंदर किसान सत्ता में कब्जा नहीं कर लेते, हनुमान को हुकारों से कोई रोक नहीं सकता, ये मैसेज पूरे देश के अंदर दिया था। भाइयों जब टिटी आई बाड़मेर के अंदर, नागौर के अंदर और पूरे राजस्थान के अंदर पहली बार लोकसभा के अंदर जोरदार ढंग से पैरवी करी, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार मामला उठाया और प्रधानमंत्री जी से बयान दिलाया कि टिड्डी प्राकृतिक आपदा है, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और तमाम टिड्डी प्रभावित किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से पैसा देने की घोषणा प्रधानमंत्री से कराई। ये काम देश में अगर किसानों के लिए किसी ने किया तो नागौर के सांसद और आपके भाई ने किया। भाइयों आप देखते होंगे पंचायत चुनाव है और पंचायत चुनाव मेरे लिए इसलिए भी जरूरी है चुनाव के अंदर सफलता, क्योंकि आप सबका मन था कि RLP पंचायतों का चुनाव लड़े। RLP ढंग से बनी है, शहरी क्षेत्रों में तो हमारा इतना प्रभाव नहीं है, लेकिन RLP बनने के बाद 3 विधायक हमारे बने। मैं लोकसभा के अंदर बोतल वाली छीन ली थी, वसुंधरा और ज्योति ने मिलकर चुरा ली थी। मैं टाइम से दिल्ली गया, बोतल वापिस लेके आया, आपको दी। और एक उपचुनाव हुआ था खींवसर का, उसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जीत दर्ज करी और अशोक गहलोत को औंधे मुंह गिराया, सरकार को औंधे मुंह गिराया। 60 विधायक और 12 मंत्री मुंह लटका के नागौर की धरती से रोते हुए रवाना हो गए जैसे उनके माइक मर गए हो। भाइयों बाइकों के अंदर जबरदस्त करंट है और ये करंट पूरे राजस्थान के अंदर, आज पूरा राजस्थान देख रहा बाइकों की सभा को, बाटाड़ू की सभा को, जहां हनुमान बेनीवाल की रैलियों के अंदर सबसे ज्यादा भारी तादाद के अंदर आपने समर्थन राजस्थान के पिछले कोने के अंदर दिया था। और इस चुनाव के अंदर भी आपने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, कुछ कमियां रह गई होगी, कुछ नए थे मैनेजमेंट नहीं बैठा होगा, लेकिन आपने समर्थन में कोई कमी नहीं की। 50,000 के लगभग वोट डाल के RLP की मजबूती का संदेश आपने राजस्थान के अंदर दिया। क्यों में 50-55,000 वोट डाले और तमाम जगहों पर हर जगह जहाँ RLP उतरी 25 से ज्यादा क्षेत्रों में 20 से लेके 55,000 तक वोट नहीं जीतने वाले जो उम्मीदवार जीत रहे थे उनको 25 जगहों पर डाले। पिछली बार मैंने लोगों की चिंता करी थी, कई इलाकों से किसान और जवान आते कि साहब आप हमारे यहाँ उम्मीदवार मत खड़ा करो। वो को क्यों कि आप खड़ा करोगे तो जो बदमाश है वो जीत जाएगा दूसरे वाली पार्टी का। तो मैंने आपकी बात रखी, राजस्थान में मात्र 57 उम्मीदवार लड़ाए, अगर 150 लड़ाता तो मेरी
25 सीट आती और 25 सीट आती तो सत्ता का रिमोट कंट्रोल हनुमान बेनीवाल के हाथ के अंदर रहता। लेकिन भाइयों, मैं आपकी बात मानी और मुझे पूरा भरोसा है कि मैंने अगर आपकी बात मान के आपके तरह से काम किया तो इस आने वाले समय के अंदर 23 में आप मेरी पूरी बात मानोगे। मैं नागौर के अंदर पढ़ता हूँ, नावा के इलाके में घूम रहा था, कल परबसर में था, मकराना के अंदर था, लोग एक ही बात कह रहे थे, साहब हमारे यहाँ पूरी टिकटें क्यों नहीं बनती। मैंने कहा मैंने तो पूरी टिकटें देके भेजा था बच्चों को, लेकिन कई फॉर्म खर्च करा लिए, कई सिंबल सही नहीं पड़े, और हजारों की तादाद में महिलाएं बच्चे एक ही बात कह रहे हैं कि अपनी सरकार पढ़ाओ। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि 10 की 10 सीट नागौर जिले की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 23 के अंदर जीतेगी। और मुझे पूरा भरोसा इस तरह बाड़मेर का जवान उठ के खड़ा हो गया, छोटे बच्चे जो खेतों से दौड़ते वाते हनुमान बेनीवाल आ गया। मैंने कुछ आपको ऐसा दिया नहीं, लेकिन उनको पता है कि उनका एक भाई है जो प्रदेश में और देश के अंदर इस कौम के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है, जो गरीब को गणेश मान के उनकी सेवा कर रहा है, जो बाड़मेर और नागौर में कोई अंतर नहीं समझता, जो छेकावाटी और बाड़मेर नागौर के अंदर कोई अंतर नहीं समझता, हमारा भाई है। और इसलिए छोटे बच्चे किस तरह बाड़मेर के अंदर बच्चा बच्चा मुझे ऐसे जानता है जैसे खींचर और नागौर के अंदर जानता है। कहीं कहीं लगता है कि बाड़मेर जिले से मेरा पूर्व जन्म का रिश्ता हो सकता है। कहीं कहीं भाइयों, में इतना विश्वास आपको दिलाता हूँ कि 3 साल के अंदर लाखों नए नौजवानों से वोट जुड़ेंगे राजस्थान में, कितने लाखों, और जो जुड़ेगा वो आरएलपी की तरफ भी बढ़ेगा नौजवान। और मैं मुझे पूरा भरोसा, पिछली बार हमें समय नहीं मिला, इस बार समय भी मिला, संघर्ष भी हमें करना। कोरोना काल के अंदर आप तकलीफ के अंदर थे, दुनिया थम गई, हम तकलीफ के अंदर थे, मुझे कोरोना हो गया था, आपने बड़ी चिंता करी और भगवान की कृपा से, तेजा जी की कृपा से 8-7 दिन के अंदर कोरोना को हरा के आपके बीच आ गया। और आज राजस्थान में सबसे ज्यादा रैलियां और प्रचार अगर कोई कर रहा है तो वसुंधरा गहलोत तो बाहर भी नहीं आ रहे कोरोना के डर से। हनुमान बेनीवाल प्रत्येक कोने के अंदर अपने भाइयों के वोट की अपील करने के लिए जा रहा है और प्रत्येक जगह आपको करके 3-3, 4-4 बजे तक जाता हुआ दिखेगा। भाइयों, बाड़मेर में जो करंट है उसे देख के लगा कि 23 के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांगने से पहले 1000 बार सोचे कि कैंडिडेट की टिकट ले या नहीं ले या नहीं ले। और मुझे पूरा भरोसा है कि 23 में बड़ा बदलाव होगा, चार समाज के साथ साथ राजस्थान का मेघवाल समाज, मीणा समाज, गुर्जर यादव, प्रजापत ठाकड़, राजपुरोहित, 36 कौम, दूसरे जो सिरुकाज के समाज है, 36 कौम एक ही बात कह रही है, एक ही नारा दे रही है, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कांग्रेस मुक्त राजस्थान हो, भाजपा मुक्त राजस्थान हो और हमारा राजस्थान की पार्टी का राज बने, वो दिन दूर नहीं है। जब आप 2-4-6 महीनों के अंदर जब मैं बैठा हूँ, मेरी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जी शिडूल कास्ट के नेता है और पहली पार्टी राजस्थान की जिसने अपना अध्यक्ष शिडूल कास्ट के भाई को बनाया। भाइयों, वो दिन दूर नहीं जब पहली पंक्ति के अंदर तमाम जातियों के नेता हाथ मिला के खड़े होंगे और ये संदेश देंगे कि 36 को मिलकर नए राजस्थान का निर्माण करो, ऐसा राजस्थान बढ़ाओ जहाँ हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे भी निकले, मजा ले कोई सामने देख ले। भाइयों, ऐसा राजस्थान बढ़ाओ जहाँ डिग्री लेने से पहले रोजगार की गारंटी हो, ऐसा राजस्थान हो जहाँ किसानों का थाने तहसील के अंदर सम्मान हो, ऐसा राजस्थान हो कर्ज के बोझ से चले कोई किसान आत्महत्या नहीं करे, किसान छाती चोरी करके जयपुर में चले और वो ये बोले कि वो जयपुर मारो है राज मारो है, ये किसान बोले ऐसी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के अंदर आप मेरा साथ देना, मांगने से कोई राज नहीं देगा, राज छीनना पड़ता है और छीनने के लिए तेजा जी के भक्तों उठो आगे बढ़ो, सत्ता पे कब्जा कर लो और कायर लोगों को भगा दो और सिंहासन पे बैठ जाओ, ये आपको करना होगा। बाड़मेर से इस बार आंधी नहीं चलेगी, बाड़मेर से 23 में तूफान चलेगा और जयपुर जाते जाते ये तूफान सुनामी में बदल जाएगा, कांग्रेस किसी पेड़ पे खड़ी मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी किसी छावर पे खड़ी मिलेगी, ऐसा नजारा मुझे नजर आएगा। भाइयों, बाड़मेर की 2-3 प्रमुख समस्याएं,
स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। मैं चुनाव के बाद एक बार आऊंगा और तमाम जो कंपनियां हैं इनका घेराव करूंगा, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और सीएसआर फंड यहाँ पर फंड और कंपनियों के अंदर जो नेताओं की दलाली है, चाहे कांग्रेस के नेता हो चाहे भाजपा के नेता हो, कंपनियों की जो मुनीमगिरी कर रहे हैं वो अपनी मुनीमगिरी उनकी बंद हो। और मैं दिल्ली से भी अगर भगवान ने ठीक चाह ऐसा कानून ही बनवा दूंगा कि जहां भी उद्योग लग रहे जिन किसानों की जमीन अधिकृत हो रही है उनको 80% भागीदारी मिले उनमें और 80% रोजगार स्थानीय लोगों को मिले। ये व्यवस्था निर्माण परिवार लोकसभा के मिलाप से लेकर आएगा। भाई विश्वास दिलाता पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, पूरी जवानी आदमी जवानी में तो राज में आना चाहता है। मैंने मेरी पूरी जवानी इस कौम के लिए समर्पित की, किसान के लिए समर्पित की, जिस तरह तेजाजी महाराज ने वचन के खातर अपने प्राण न्योछावर दिए, हनुमान बेनीवाल ने वचन दिया मैं पूरा अगर धनका मिला 12वीं बन जाऊंगा, लेकिन उस कुर्सी पर धरती पुत्र को देखना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री धरती पुत्र बने और ये प्रण लिया कि मैं मंत्री नहीं बनूंगा, मैं मंत्री बनकर इस राजस्थान की सेवा करूंगा जब तक मेरा कोई भाई मुख्यमंत्री नहीं बन जाता। ऐसा प्रण राज्य से कोई नहीं रहता। मुझे बड़ा दुख हुआ जब पिछली बार आया किसी का कर्नल सोनाराम जी की जिलापति की टिकट काट दी, बताओ इतना बड़ा अपमान। और कर्नल साहब तुम बैठे, कर्नल साहब की आत्मा उनको झिझोड़ क्यों नहीं गई? उनको कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को हराओ, आनंद को वोट दो। और अब भी अगर नहीं कहेंगे तो 3 साल बाद तो उनकी उम्र और ज्यादा हो जाएगी। कितने साल के अभी 3 साल बाद, लेकिन वो नहीं कहेंगे, वो कहेंगे नहीं, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के अंदर जो लोग रेजर्स हैं तो बातें जरूर करते हैं, एक घंटे के लिए गुस्सा करते हैं और शाम को गुस्सा थूके और छोड़ देते हैं बात। लड़ने वाला तो एक ही व्यक्ति है, वो आपके सामने खड़ा है, जिसे मुख्यमंत्री से लड़ने में मजा आता है और जो प्रधानमंत्री से टकराने की ताकत रखता है और अपनी कौम का नाम इस देश के अंदर रोशन कर रहा है और आपके लिए हर जगह लड़ाई लड़ रहा है। भाइयों, बाड़मेर से क्रांति की शुरुआत हुई है, खेल बाड़मेर के अंदर निकला है। हमारे भाई जो पीछे रह गए थे नेताओं ने ध्यान नहीं दिया, बहुत बड़ी तकलीफ के दौर से आप लोग गुजरे हो, इसलिए आप संघर्ष करने वाले व्यक्ति को पहचानते हो। माताएं बहने जिस तरह बाड़मेर के अंदर मीटिंगों में आ रही है, मुझे लग रहा है कि छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर और माताएं बहने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बढ़कर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को ऐसे फेंक देगी जैसे लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को भगाया था। आज की विशाल चुनावी सभा के अंदर मैं आपको सबको धन्यवाद दूंगा कि हजारों की तादाद के अंदर आस पास के पूरे भाजपा क्षेत्र से और तमाम जो पंचायत समिति के वार्ड यहाँ पे मैं इनके नाम ले लेता हूँ।